हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स नेशन तो बच्चों आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने जा रही हूँ वो है ए का प्रीवियस ईयर का एंट्रेंस पेपर यानी लेटेस्ट एंट्रेंस पेपर आज मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ इस एंट्रेंस पेपर में सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे सभी के हम आंसर्स को सॉल्व करने का एम करेंगे ठीक है एंड इवन इफ अगर आप लोग को भी आंसर्स आ रहे हैं तो आप लोग भी सॉल्व uh, कर सकते हैं मेरे साथ ही साथ ठीक है और अगर कोई डाउट होगा तो आप वो डाउट्स भी पूछ सकते हैं तो चलिए बच्चों चालू करते हैं ये पेपर 2022-23 का है ठीक है ये सबसे लेटेस्ट पेपर है और चालू करते हैं हमारे इंग्लिश सेक्शन के साथ ठीक है तो uh, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी बच्चों कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से टॉपिक से आ रहा है तो आपको ये इजी हो जाएगा एम करना कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है एंड कौन सा टॉपिक थोड़ा भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा ठीक है तो चलिए चालू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ठीक है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं एंड ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन है विथ योर हेल्प आई कुड टाइड डैश माई डिफिकल्टीज ठीक है तो तुम्हारी मदद से मैं अपने दिक्कतों को डैश क, डैश कर सकता था ठीक है तो क्या कर सकता था आई कुड टाइड अवे या फिर आई कुड टाइड ऑफ आई अगेंस्ट आई कुड टाइड ओवर माई डिफिकल्टीज तो ये जो अगेंस्ट है ये जो ओवर है और ऐसे जो शब्द है ना बच्चों ये कौन से शब्द पे डिपेंड करता है इसके आगे वाला शब्द ठीक है ये अगर आप देखें तो इसके जो आगे वाला शब्द है ना उस पर डिपेंड करता है कि हम इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन टिक करें ठीक है अब ऐसे ही आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द इसके साथ सूटेबली बैठ रहा है एंड किसके साथ कौन सा यूज किया जाए तो इसका मैं आपको एक बहुत इजी चीज बताऊंगी कि आप लोग फ्रेजेस याद करिए ठीक है आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस सुना ही होगा है कि नहीं तो आप फ्रेजेस अगर आप ध्यान दें तो ये टाइड ओवर करके एक फ्रेज है जिसका मतलब ये होता है कि मैं अपनी मुश्किलों को पार कर सकता था ठीक है टाइड ओवर i could tide over अब tide over का मतलब क्या होता है जैसे कि आपने सुना है कि tide क्या होता है tide आप सभी को पता है ना जो लहरें होती हैं जो तेज लहरें होती हैं उनको कहते हैं तो उन लहरों को पार करना क्या है एक बहुत डिफिकल्ट टास्क ही है ना तो tide over का यही मतलब है कि अपनी डिफिकल्टीज को हम पार कर लें तो ये tide over वर्ड कहाँ से आया है हमारा ये आया है हमारा फ्रेजेस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन हमारा कहां से बन आया बच्चों फ्रेजेस वाले टॉपिक से क्वेश्चन हमारा बनकर आया है ठीक है इतना आया हो आप सभी को क्लियर होगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ठीक है ये भी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ही है देर वर नो एरर्स इन माई पेपर बिकॉज आई वॉज आई वॉज डैश इन माई प्रूफ रीडिंग ठीक है जब मैं पढ़ रहा था तब मैं डैश था जिसकी वजह से मेरा जो पेपर है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं की नहीं थी ठीक है कोई भी एरर्स नहीं थी ठीक है अब यहां पे क्या हो सकता है ठीक है या फिर डिसकंसर्टेड ठीक है या फिर मेटिक्यूल ठीक है तो पहले तो ये सारे शब्दों का मतलब जान लेते हैं तो आपने सुना है फोना शब्द का मतलब फ्लोराफोना क्या होता है जैसी uh, वाइल्ड कुछ है जो, uh, uh, जो क्या है जो पानी के अंदर रहती है उसको हम फ्लोराफोना कहते हैं है कि नहीं तो फोना का तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है ठीक है तो फोना तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा फिर डिसकंसर्टेड डिसकंसर्टेड अ नेगेटिव अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड समझ में नहीं आ रहा है और आपने वो पहली बार सुना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड तो होगा नहीं जिसकी वजह से मेरी चीज पॉजिटिव निकले है ना मतलब आप रिलेशन बिल्ड करने का ट्राई करो तो डिसकंसर्ट विल ऑल्सो भी नॉट द ऑप्शन है? है. मतलब प्लानिंग नहीं, नहीं की और वो चीज डायरेक्टली कर दी ठीक है बिना बिना आपने वो चीज कर दी उसको हम क्या कहेंगे इम कहेंगे ठीक है वही अगर आप देखो तो मेटिकुलस शब्द का मतलब क्या है मेटिकुलस शब्द का मतलब कि आपने बहुत अटेंशन से वो चीज किया है आपने उस पर बहुत ध्यान लगाया है और अपना बहुत माइंड लगाया है उस चीज में ठीक है तो यहाँ पे राइट right आंसर क्या होगा ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर क्यों देर वॉज नो एरर्स इन माई पेपर बिकॉज आई वॉज मेटिक्यूल इन माई प्रूफ रीडिंग यानी जब मैं पेपर पढ़ रहा था तब मैं बहुत अटेंशन से बहुत ध्यान पूर्वक उस पेपर को पढ़ रहा था जिसकी वजह से मेरे पेपर में कोई भी मिस्टेक कोई भी एरर्स नहीं थे ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिल इन ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो ये बच्चों कहाँ से आया है ये आपके वोकैबुलरी से क्वेश्चन आया है अब आपको लगेगारी है आपको कुछ नए शब्द पढ़ते रहना है फॉर इम्प्रूविंग योर वोकेबुलरी ठीक है ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रियट ऑप्शन वेन आई वॉज अ चाइल्ड डैश द ठीक है जब मैं बच्चा था तब मैं वॉयिन बजाता था ठीक है तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस क्या है ये सेंटेंस हमारे पास टेंस के बारे में है ठीक है तो ये हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहां से बनकर आया है ये क्वेश्चन हमारा बनकर आया है टेंस वाले पार्ट से टेंस वाले चैप्टर से हमारा क्वेश्चन बनकर आया है अब ये क्वेश्चन को हम कौन सा टेंस uh, uh, मतलब कौन सा वर्ब अच्छे से फिट हो रहा है वो देखना है तो वेन आई वॉज अ चाइल्ड जब मैं छोटा बच्चा था डैश दिन आई वॉज प्लेइंग दी वॉयन

आई प्लेड ठीक है मैंने बजाया था मैंने वॉयलिन बजाया था ठीक है सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा बहुत ईजी सा था ठीक है तो देखिए बच्चों अगर आप देखें तो तीन डिफरेंट जगहों से क्वेश्चन बनकर आए हैं पहला फ्रेजेस से था दूसरा वोकैब से था और तीसरा टेंस से था तो इतना आइडिया लग रहा है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठकर आ रहे हैं कहां से बनकर आ रहे हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तरफल्ड हेड मीन्स

जिसके जो बाल हैं वो कोम्ड नहीं है ठीक है यानी कि जैसे मैं कह दू माई डॉग माई डॉग इज रोमिंग विद टॉजल्ड हेड ठीक है तो यानी मेरे डॉग के बाल झाड़े हुए नहीं है ठीक है तो अनकोमड हेड को हम लोग क्या कहेंगे टॉजल्ड हेड कहेंगे ठीक है जैसे कि आप लोग आप लोग ने देखा होगा अगर आप लोग के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके कर्ली हेयर हैं ठीक है थीके? तो दे डोंट यूजुअली कोम देयर हेयर है ना नॉट इवन गर्ल्स विद लॉन्ग हेयर्स यूजुअली कोम देर यूजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट डोंट गेट ऑफेंडेड एवरीवन ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अनकोमड हेड का फ्रेज समझ में आया ना सभी को टॉजिल्ड हेड का मतलब चलिए चूज द द ऑफ अंडरलाइन वर्ड ठीक है यहाँ पे हमें क्या करना है एंटोनिम को चूज करना है तो ये क्वेश्चन हमारा कहां से बन आया है एंटोनिम से हमारा ये क्वेश्चन बन कर आया है ठीक चलिए शी इज ट्राइंग टू इवेड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर एक्शन ठीक है शी इज ट्राइंग टू evade अब evade का मतलब क्या होता है जैसे कि अगर आपने देखा होगा और जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना उसमें evaded वर्ड बहुत यूज होता है invaded और evaded ये दो शब्द होते हैं ठीक है तो evaded शब्द का मतलब क्या होता है ना कि आमना-सामना करना ठीक है आमने-सामने जो चीज होती है उसको हम evaded कहते हैं ठीक है तो evaded यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें कौन सा वर्ड उसके साथ मैच कर रहा है दैट इज कन्फ्रंट

तो आगे बढ़ते हैं ठीक है इनकेपेबल ऑफ बींग सीन थ्रू मीन्स ठीक है अगर हम किसी चीज के थ्रू देख नहीं सकते जैसे कि पर्दे हैं ठीक है तो अः क्या होता है अगर आप थैली लो तो आप थैली से यहाँ आर पार देख सकते हो ना ठीक है वही मैंने अगर आ, ऐसे कपड़ा रख दिया तो कपड़े के आर पार हम नहीं देख सकते हैं तो दैट इज वॉट दैट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट ठीक है वैसे चीजों को हम क्या कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं ऐसी चीजें जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते जिनके चीजें जिनके थ्रू लाइट पास नहीं होती है वैसे चीजों को हम क्या कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं ठीक है जैसे कि

ठीक है टू कूल वंस हील टू कूल वंस हील ठीक है तो uh, इसका क्या मतलब होता है ये भी क्या कहां से क्वेश्चन बनकर आया है फ्रेज से क्वेश्चन बनकर आया है phrases. या फिर ईडियम्स कह लो ईडियम एंड फ्रेजेस कह लो ठीक है टू कूल वंस हील इसका भी क्या मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है टू रेस्ट फॉर समन या फिर टू गिव नो इंपॉर्टेंस टू सममन टू रिमेन अ अम्फर्टेबल सिचुएशन या फिर तो टू तो का क्या मतलब होता है किसी के लिए इंतजार करना किसी के लिए इंतजार करने को हम क्या कहते हैं बच्चों तो ठीक है तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है इत, इतना आई होप सभी को क्लियर होगा है कि नहीं चलिए द एंटोनिम ऑफ प्रोस्पेरिटी चलिए ये तो आप सभी लोग बता ही सकते हैं इसका आंसर आई होप ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा तो प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम क्या होगा पहले तो जान लेते कि कहा से बन कर आया है ये एंटोनिम से क्वेश्चन बन कर आया है ठीक है तो आ, प्रोप्राइट्री या फिर प्रॉपर्टी परस्पर कैटी या फिर एडवर्सिटी तो प्रॉस्पेरिटी का अपोजिट क्या होता है एडवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है अब ये याद कर रहे हैं कि ऐसे कोई सिंपल टिप्स या फिर ट्रिक्स नहीं है क्योंकि जो एंटोनिम होते हैं ना वो आपकी पूरी वोकेबुलरी uh, में ही आते हैं बट इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप एंटोनिम्स एंड एंटोनिम सॉल्व कर रहे हो या फिर इसको पढ़ रहे हो तो आपको वोकेबुलरी की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए प्लस आपके डे टू डे लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ न्यू वर्ड्स हमेशा इन्वॉल्व होने चाहिए ठीक है तो आई वुड रिकमेंड कि इसको याद इसको रटना नहीं So चलिए आगे बढ़ते बनकर आया बच्चों एंटोनिम से ही बनकर आया है ठीक है ठीक है तो क्वेश्चन बनकर आया है अब नाइन्थ का आंसर आप सभी लोग बताइए द एंटोनिम ऑफ कॉटियस इज जो कॉर्टिस से काम करता है ठीक है ठीक है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा insolent will विल बी द राइट आंसर ठीक है नाइन्थ का राइट आंसर विल बी insolent चलिए चूज द अंडरलाइन वर्ड ये भी क्वेश्चन कहाँ से बनकर आया है

वन uh, विच uh, att हैं ठीक है तो इसका uh, एम्पेटिस का यही मतलब होता है कि जो किसी के ध्यान में किसी के सुपरविजन में ना किया गया हो ठीक तो, uh, है opposite. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा हमें ढूंढना है ऑपोजिट तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कॉशियस यानी एकदम ध्यान से ठीक है उसकी अब्रिगिंग अब एकदम ध्यान से की गई थी और यहाँ पे क्या था हिज एम्पिटिस बिहेवियर यानी उसका ध्यान ना दिया गया हुआ बिहेवियर Was to his है, जिसकी वजह से उसकी परवरिश हुई तो वही का मतलब क्या हो जाएगा यानी ध्यान पूर्वक उसका जो बिहेवियर था क्वेश्चन से बनकर आया था है. अब आते हमारे इलेवेंथ क्वेश्चन पे तो इलेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द स्टोरी इज शेमले कॉर्नी स्टोरी इज शेमलेसली कॉर्नी एंड ग्रोन ग्रोन एट इट्स क्लीशे शब्द का मतलब क्या होता है क्लीशे का मतलब क्या होता है आप लोग शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं ऐसे मान लो कि क्लीशे या फिर लेम नाम के ऐसे बहुत सारे शब्द जो आजकल इंस्टाग्राम एंड और बाकी सारे सोशल मीडिया से बहुत सारा चल रहा है तो क्लीशे शब्द क्या है पहले तो एक क्वेश्चन कहा से बनकर आया है वो कैबुलरी से क्वेश्चन बनकर आया है ठीक है तो क्लीशे शब्द का मतलब क्या होता है क्लीशे शब्द का मतलब होता है एन आइडिया एक्सप्रेशन यूज टू ऑफेंड ठीक है ऐसी चीज जो बार बार ऑफेंटली यूज होती है ठीक है जैसे कि आ, आप लोग मान लो कि कुछ जेंजीज हैं आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं ठीक है तो uh, उनके बीच कुछ ऐसा लेम जोक चला ठीक है कुछ ऐसा जोक चला दैट इज ऑलरेडी हर्ड ठीक है ऐसा कुछ जोक चला जो पहले से बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं तो कोई कह दिया अरे यार ये तो बहुत क्लीशे जोक था तो क्लीशे जोक का मतलब कि लाइक ये बहुत बार सुना हुआ है और दैट इज ऑल्सो वेरी पुराना अब ये अब ये पुराना हो गया ऐसे कहते हैं ना कि यार अब तो ये पुराना हो गया कुछ नया बता तो वॉट इज दैट दैट इज क्लीशे ठीक है तो समझ में आया सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस उसपे बरी दी हैचड बड़ी दी सॉरी बरी दी, दी हैचड इसका मतलब क्या होता है अब ये क्या है ये भी एक idiom है ठीक है idiom कह लो या फिर फ्रेज कह लो सॉरी तो ये वहां से एक क्वेश्चन बनकर आया है बड़ी दी हैचड तो इसका मतलब क्या है कि शांति बनाए बनाए रखना ठीक है इस मुहावरे का अर्थ क्या है कि शांति बनाए रखना ठीक है यानी कि आपको जो भी आ, हैचेट है जो भी चीज जो वॉयलेंस क्रिएट कर रही है ठीक है या फिर जो चीज वॉर क्रिएट कर रही है उसको आप क्या करो तो बरी कर दो यानी कि गाड़ दो ठीक है तो मेक पीस इज नोन एज बरी दी हैचेट ठीक है चलिए ये क्वेश्चन ईडियम से बनकर आया था हमारा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द मीनिंग ऑफ द ईडियम स्लीप ऑन इट कुड बी कुड पॉसिबली बी ठीक है ये भी क्वेश्चन कहाँ से बनकर आया आपका Idiom से बनकर है तो बच्चों अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको कौन से दो टॉपिक से मिले एक तो एंटोनिम से आपको देखने मिला और दूसरा आपको देखने मिला इडियम से ठीक है तो यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ईडियम और एंटोनियम क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है है कि नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं तो स्लीप ऑन इट का क्या ही मतलब होता है हमें ये देखना है ठीक है तो स्लीप ऑन इट एक नाम का एक्सप्रेशन है उसका मतलब है टू स्लीप ऑन अ फर्म बेड to 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 be be lethargic and and sloth, to postpone a decision until the following day so that one has additional time to consider it, to be strict and firm in making decisions. बच्चों तो ये हमेशा याद रखना जब भी किसी को हम यूज करते हैं ना तो उसका लिटरल मीनिंग जो होता है वही उसका मीनिंग नहीं होता जैसे कि अगर मैं कह दू कि जैसे मेरी मम्मी ने कहा मुझे कि तुम मेरी आंखों का तारा हो ठीक है तो यानी कि मैं असली में उनकी आंखों में तारा नहीं हूं ठीक है अगर ऐसे मैंने कह दिया यू आर माई एप्पल पाई ठीक है यू आर एप्पल ऑफ माई आई ठीक है तो मतलब ये जरूरी नहीं कि मेरे आंखों में एप्पल बना हो और वो वही हो ठीक है मतलब यानी कि उस बात की जो लिटरल मीनिंग होती है वही उसका डेफिनेशन नहीं कहलाता है ये आप हमेशा याद रखेंगे ठीक है तो ईडियम का जो लिटरल मीनिंग होता है वही उसका डेफिनेशन नहीं होता है इसीलिए मैंने बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए ठीक है अब बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन तो स्लीप ऑन इट का मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी काम को ना एकदम अच्छे से मेल देना मेल देना यानी कि इतना उसको लेस से कर दो जैसे की आप लोग का एग्जाम आने वाला है मान लो ठीक है तो कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है जब तक तो एग्जाम की डेट नहीं पता चल जाती है, है कि नहीं मतलब इवन मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है की तो मतलब पढ़ते ही नहीं है हम लोग ठीक है हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ते ही नहीं है जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि हाँ भाई अगले दो हफ्ते में एग्जाम है यानी एग्जाम के एक रात पहले पढ़ना यानी कि स्लीप ऑन इट यानी कोई काम को आप इतना पोस्टपोन कर दो लास्ट डे तक कि क्या हो जाए कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिले उसको कंसिडर करने के लिए ठीक है तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है यानी कि एकदम मेल के वो काम कर रहा पोस्टपोन कर देना या फिर नहीं करना वो काम को ठीक समझ में आया यहाँ तक तो सभी कुछ इजी था इजीली हम लोग क्रैक कर पा रहे थे अब आते हैं नेक्स्ट वे अब ये क्वेश्चन कहां आया है ये क्वेश्चन आपका वर्ब से बनकर आया है ठीक है चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं सॉन्ग्स डैश संग इज मेमोरी ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट ठीक है सॉन्ग्स जो गाए गए थे वो किस लिए गाए गए थे दैट इज इन दी मेमोरी ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट ठीक है तो जो सॉन्ग गाए हुए जो मान लीजिए जैसे कि अभी हम लता मंगेशकर की बात करते हैं तो उनके द्वारा गाए हुए जितने भी गाने हैं अब वो क्या है वो सिर्फ एक याद बन के रह गई किसकी याद बन के रह गई लता मंगेशकर जी की याद बन के रह गई है कि नहीं तो वो क्या है बच्चों वो हमारे पास्ट टेंस में डिनोट हो रहा है है कि नहीं तो यानी कि हम इसमें क्या कौन सा वर्ब यूज करेंगे पास्ट वाला कोई वर्ब यूज करेंगे तो जितने भी आपको वर्ब दिख रहे हैं जो प्रेजेंट के हैं या फिर फ्यूचर के हैं उनको तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे जैसे कि इज ठीक है चलो बाकी तीन क्या है पास्ट वाले ही वर्ब है तो अगर आप यहाँ पे देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सॉन्ग है मेमोरी हो सकता है सॉन्ग्स बीन संग इन दी हो सकता है, है कि नहीं बट अगर हम लोग इसमें सिंपली ध्यान दें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ स्मार्ट वर्क करो तो ये बात यहाँ पे समझ आएगी कि सॉन्ग्स है ये सॉन्ग्स प्लुरल फॉर्म में है इसके साथ कौन सा पास्ट वर्ब लगेगा वो है वर वर नाम का वर्ब लगेगा यानी कि ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर समझ में आया सॉन्ग वर संग इन मेमोरी ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट ठीक है समझ में आया आप सभी को इतना क्लियर था सभी को यहां तक कोई डाउट कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन योर अम्ब्रेला इज ऑलमोस्ट दाइन चलिए अब इसका आंसर बताइए तो ये क्वेश्चन पहले देख लेते कहाँ से कर आया है तो ये क्वेश्चन हमारा आया है प्रोनाउन से बनकर अब जो बच्चों ने प्रोनाउन पढ़ा है और प्रोनाउन के रूल्स अगर उनको याद है तो आपको ये ध्यान होगा कि ऐसे सेंटेंसेस में जब हम योर भी यूज कर रहे हैं प्लस ऑलमोस्ट यानी एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तब तो हमारे पास कैसा वो लगता है uh, कौन सा वाला हमारा प्रोनाउन यूज होता है ठीक है तो जैसे कि सेम एज माइन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है योर अम्ब्रेला इज ऑलमोस्ट सेम सॉरी ऑलमोस्ट माइन ठीक है इतना क्लियर है सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिल इन द विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ठीक है डैश फूल मिसलेड यू ठीक है डैश फूल मिसलेड यू तो अब ये क्वेश्चन कहाँ से बनकर है पहले वो देख लेते हैं ठीक है थीके? तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत सारे सेक्शन से बनकर आ सकता है जैसे कि अगर आप यू को देखें तो ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन हो सकता है ठीक है या फिर ये आपका सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस से भी ये क्वेश्चन बन के आ सकता है ठीक है तो दो टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ठीक है दैट कुड बी इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव सेंटेंस कूल चलो अब इसका आंसर देखिए तो इसका डैश फुल मिसलेड यू ठीक है तो uh, जैसे कि अगर आप इस सेंटेंस को अगर हिंदी में कन्वर्ट करो ठीक है तो क्या हो जाएगा कि किसने तुमको uh, उल्लू बनाया ठीक है किसने तुमको उल्लू बनाया तो किसने किसने इज हु ठीक है बट अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में करेक्ट आंसर कौन सा बच्चों विच विच फूल यू ठीक है हमारा करेक्ट आंसर होगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फाइंड आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर ठीक है तो हमें इसमें एरर फाइंड करना है तो यानी कि ये क्वेश्चन कहां से बनकर आ रहा है बच्चों सिंपली एरर ग्रामर से क्वेश्चन बनकर आ रहा है क्योंकि ग्रामर वाले पोर्शन में हमें सबसे ज्यादा एरर डिटेक्ट करना होता है जो बच्चे नहीं जानते मैं बता दूं कि इंग्लिश जो होता है ना इंग्लिश सब्जेक्ट वो दो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ग्रामर में कॉम्प्रिहेंशन में और वोकेबुलरी सेक्शन में ठीक है वोकेबुलरी सेक्शन पूरा अलग होता है कॉम्प्रिहेंशन पूरा अलग होता है ग्रामर पूरा अलग होता है ठीक है बट अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड आउट द एरर्स तो एरर पोर्शन कहाँ से आ रहा है पूरा का पूरा ग्रामर से आता है ठीक है अगर आप कितने पेपर्स आप उठा के देख लो तो उसमें आपको ये चीज कॉमन दिखने को मिलेगी कि आपके एरर्स वाले जितने भी क्वेश्चन है वो कहाँ से उठ कर आ रहे हैं ग्रामर से उठ के आते हैं ठीक है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ रूल्स एंड एक्सेप्शन एंड एजम्स ठीक है जिसकी वजह से इंग्लिश जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चलिए हाँ तो आगे बढ़ते हैं कि हमें इसमें एरर फाइंड करना है ठीक है तो एक क्वेश्चन दिया गया है आ, मैन इज अल एनिमल ठीक है एरर क्या है आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में एरर क्या है इस क्वेश्चन में एरर ये है द मैन लिखा हुआ है ठीक है बल्कि यहाँ पे अ मैन लिखा रहना चाहिए अब अमैन लिखने का रीजन क्या हो सकता है मैं बताती हूं देखिये द हम कब लगाते हैं द के बहुत सारे यूजेज होते हैं ठीक है अगर आप ध्यान दें तो द के बहुत सारे यूजेज होते हैं जैसे कि द कब हम लगाते हैं जब हमें स्पेसिफिक चीज को डिनोट करना हो ठीक है यानी अगर मैंने लिखा होता द राकेश इज अ सॉरी द ग्रेट अमिताभ बच्चन इज अ सोशल एनिमल ठीक है तो यानी कि मैं एक बड़ी हस्ती का नाम बता रही हूँ एंड दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक ठीक है बट द मैन नहीं एग्जिस्ट करेगा बिकॉज मैन इज नॉट स्पेसिफिक इट इज इन uh, स्पेसिफिक जिसकी वजह से मैंने अ मैन लगाया है प्लस इसका सेकंड रीजन ये हो सकता है कि जो मैन है वो एक ऐसा वर्ड uh, है जो एक कंसोनेंट से चालू हो रहा है एंड आल्सो इट कंटेन्स एम इन फॉर एज फर्स्ट ऑफ इट्स लेटर जिसकी वजह से उसके आगे ए लग रहा है ठीक है चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद तो ये क्या है ये बच्चों कंजंक्शन से क्वेश्चन बनकर आया है कंजंक्शन किसमें आता है बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच में आता है जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता दू कंजंक्शन क्या होता है कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज बिटवीन टू ऑफ देंटेंसेज टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन दीक है तो कंजंक्शन का ये एक क्वेश्चन है अब इसमें आपको क्या करना है कि ऑल द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अस ठीक है यहाँ पे देखो अगर आप देखो तो आपको ठीक है तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको uh, चार ऑप्शन दिए गए हैं बिटवीन अमोंगस्ट अमोंग डी अलोंग ठीक है तो अगर आप देखो तो बिटवीन किस कब हम यूज करते हैं जब हम सिर्फ दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं जब हम किसी दो व्यक्ति की बात कर रहे हो तब हम बिटवीन को यूज करते हैं बट अमोंग में हम यूज करते हैं जब हम ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हो ठीक है दो से ज्यादा व्यक्ति की हम बात कर रहे हो तब हम among को यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है कर हमारे बीच प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई ठीक और अलोंग यानी ये ऑप्शन डी दिया गया अलोंग अलोंग यानी कि साथ ही साथ ठीक है हमारे साथ साथ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई दैट वुड बी रॉन्ग आंसर चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए द है ये क्वेश्चन आ जा रहा है कि कि ये question हमारा uh, passive voice uh, voice से question हमारा से आ रहा है है ठीक तो शुड नॉट इंसल्ट पुअर इज वी शुड नॉट इंसल्ट पुअर का वॉइस क्या होगा पुअर ऑट नॉट टू बी इंसल्ट सॉरी Insulted, the poor are never insulted. The poor should not be insulted, ठीक है Insulted should not be done to poor, ठीक है अब ये आप हमेशा एक rule याद रखेंगे जब भी आप active से passive में बदल रहे हो तो यहाँ active voice का जो आ, object होता है ना वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन, बन जाता है ठीक है ये हम हमेशा एक रूल याद रखेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वी क्या है सब्जेक्ट है और ये है ऑब्जेक्ट पर जब मैं इसको पैसिव वॉइस में बदलूंगी तो द पुअर हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा यानी कि द पुअर वाले जितने भी आप आप उसको रखोगे बाकी सबको एलिमिनेट कर दोगे तो डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया ठीक है अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है ठीक है जो मेन वर्ब है वो आपको यूज करना है उसको किस में यूज करना है आपको पास्ट टेंस में यूज करना है क्योंकि वो किस में बदल चुका है पैसिव वॉइस में बदल चुका है ठीक है ये कुछ बेसिक रूल्स आप लोग तो याद रखेंगे तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऐसा क्यों क्योंकि द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड ठीक है इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस ठीक है और जब भी हमने एक इम्पेरेटिव सेंटेंस uh, को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया है वी हैव ऑलवेज दैट उसका जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा लास्ट में मिस कर दिया जाता है ठीक है हमेशा वो लास्ट में मिस कर दिया जाता है तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वी नाम का उसको हमने मिस कर दिया है ठीक है इज इट क्लियर टू एवरी वन साथ ही साथ आपको मैंने रूल भी बता दिया सो दैट यू गाइस के नॉट बी विल नॉट बी कन्फ्यूज चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ <laughs> तो नेक्स्ट uh, क्वेश्चन भी आपका वर्ब्स ही बनकर आ रहा है ठीक है वर्ब भी बच्चों आपके दो टाइप के होते हैं एक होता है मेन वर्ब एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब जो सेंटेंसेस uh, में मेन uh, एक रूप की तरह काम कर रहा हो ठीक है ऑक्सिलरी वर्ब जो उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं ठीक है सेकेंडरी वर्ब कह लो या फिर सबॉर्डिनेटिंग वर्ब भी कह लो उसको तो uh, आते हैं क्वेश्चन पे कि he as well as his brother dash intelligent, वो और उसका भाई दोनों ही क्या है इंटेलिजेंट है तो ही एज वेल एज हिज ब्रदर आर इंटेलिजेंट वर इंटेलिजेंट या फिर इज इंटेलिजेंट तो इसमें करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, आई होप इसको तो आप सभी लोग क्रैक कर पाए होंगे well अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इज क्यों लगाया है ठीक है तो इज को भी लगाने का एक लॉजिक है क्योंकि जब भी हम एक ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं जिसमें साथ में जिसमें बीच में एंड या फिर एज वेल एज लग रहा है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे आ, हम ये वाला जो ये वाला जो होता है सबसे पहले वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है हम उसको लेके चलते हैं ठीक है ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट ठीक है तो दिस इज क्लियर चलिए आगे बढ़ते ये क्वेश्चन भी आपका पैसिव वॉइस से बनकर आया है ऑल <laughs> ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन यानी एक ऑनेस्ट इंसान एक सच्चे इंसान पे सभी कोई भरोसा करता है तो इसका पैसे क्या होगा ट्रस्ट इज ऑनेस्ट बाय ऑल मैन तो ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज दे डों अब वो मैच क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि ये पूरा सेंटेंस का कंप्लीट सेंस ही बदल दे रहे हैं ठीक है तो अगर आप लोग देखें जब भी हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे किसी भी सेंटेंस को तो ये बात हम हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा वर्ब है वो भी चेंज होकर किस में बदल रहा है पास टेंस में बदल जाता है ठीक है तो अगर आप ये दोनों ऑप्शन देखें तो हमारा जो मेन वर्ब है ट्रस्ट नाम का वो इसमें नहीं बदल रहा है और इसमें बदल जा रहा है तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऐसे भी आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है एंड ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड क्लियर होगा लाइव लाइव क्लास क्लास मेरी हो चुकी है आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं एंड दिस इज द रिकॉर्डेड क्लास फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रियट ऑप्शन द क्यू मूव्ड स्लोली डैश विंडो, ठीक है अब ये क्या है दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनकर आया है चलिए

इतना तो क्लियर ही सभी को आएगा समझ में आ ही गया होगा चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप लोग uh, पूछ सकते हैं चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आर देयर डैश टोमैटोज इन दी रेफ्रिजरेटर ठीक है आर देयर डैश टोमैटोज इन रेफ्रिजरेटर तो अगर आप लोग देखें ना तो आ, कहां से क्वेश्चन बनकर आया है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव यहां से क्वेश्चन बनकर आया है ठीक है एडजेक्टिव के भी कुछ टाइप्स होते हैं ठीक है तो उसमें से जो क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव है ये उसका एक टाइप है उससे क्वेश्चन बनकर आया है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आर देयर डैश टोमेटोज इन दी रेफ्रिजरेटर ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन uh, है यानी कि आर देर सम टोमैटो आर देर मच टोमैटो आर देर एनी टोमैटोज इन रेफ्रिजरेटर तो यानी कि एनी विल बी द राइट आंसर अब एनी क्यों क्योंकि वी आर आस्किंग फॉर इट एज वेल एज वी जब भी हम किसी चीज के लिए पूछते हैं तो वी एक्सपेक्ट दैट थिंग इज वेरी लिटिल लेफ्ट ठीक है वो थिंग हमारे पास लीस्ट अमाउंट में है ठीक है इसलिए हम उसको मच या फिर मेनी से डिनोट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो एनी विल बी द राइट आंसर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन माई आंसर डैश योर क्वेश्चन इज दिल ठीक है तो ये क्वेश्चन कहाँ से बनकर आया है बच्चों ये क्वेश्चन आपके ये भी क्वेश्चन आपके पार्ट ऑफ स्पीच के प्रेपोजिशन से बनकर आया है ठीक है तो यानी अभी तक हमने क्या देखा बच्चों जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से हमारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा था पार्ट ऑफ स्पीच था ईडियम था वो था प्लस हमारा फ्रेजेस कह लो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था एंटोनिम सिनोनिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी इन चार पांच टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एम किए जा रहे हैं इंग्लिश के पोर्शन में ठीक है चलिए बढ़ते हैं इसका आंसर क्या है तो माई आंसर टू योर क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर इस एनवेलप में है तो माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज इन एनवेलप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनकर आया है दैट इज आल्सो फ्रॉम दी द कंक्लूजन आर बेस्ड डैश एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव रिसर्च ठीक है जो कंक्लूजन है वो किस पे बेस्ड है किस पे बेस्ड है पे यानी कि दैट इज प्रेपोजिशन फॉर ऑन ठीक है ऑन द कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च

वोकेबुलरी सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है वोकेबुलरी में भी मेनली कौन सा न्यू वर्ड्स वाला सेक्शन ठीक है न्यू वर्ड्स वाला सेक्शन एंड प्लस सिनोनिम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चार पांच टॉपिक से क्या हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगर हम देखें तो ठीक है तो प्लस uh, उसी के साथ साथ वर्ब और वॉइस के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे तो ये ग्रामर पोर्शन भी हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बच्चों की प्रैक्टिसिंग फॉर इंग्लिश पेपर कल हम और भी क्वेश्चन करेंगे पेपर के हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दी कॉमर्स नेशन तो जैसा आके आप सब जानते हैं कि हम लास्ट टाइम ए के लेटेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे थे जो है 2022 एंड 2023 का ठीक है तो हम ही पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चंस कर चुके थे ऑलरेडी और आज हम लोग चालू करेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ तो आई होप आप सभी को विजिबल होगा तो चालू करते हैं ये अकाउंट्स के क्वेश्चन हैं ठीक है बी कॉम का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं बीकॉम एंट्रेंस फॉर ए एमयू एंड दी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री का ये पेपर है वही आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आज हम इसके अकाउंट्स के क्वेश्चन लगाएंगे ठीक है देखते हैं कि कैसे लेवल के क्वेश्चन हैं एंड कहाँ से क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं क्या इनका लेवल है वो सब आज देखेंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ द बैलेंस इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर द री इशू ऑफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स शुड बी अब देखिए जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस है जब जब मान लीजिए क्या होता है ना जैसे कि जब जितने भी शेयर्स फॉरफीट हुए हैं ठीक है आफ्टर द री इशू अगर मान लीजिए उनको वापस री इशू किया है फॉरफीटेड शेयर्स को री इशू करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो कहा जाता है ठीक है तो वही पूछा गया है तो इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है कि ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व शो एज एज शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल ठीक है तो देखिए अगर जो बैलेंस बचा है वो वापस से उन व्यक्तियों के पैस, मतलब वापस से री uh, इशू होने तो जाएगा नहीं कि ऑलरेडी एक बार री इशू हो चुका है तो अब ये कहा जाएगा ये कंपनी के पास ही चला जाता है ठीक है यानी कि कंपनी के कैपिटल रिजर्व में बचा रह जाता है स्टोर हो जाता है तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका कहां से आई ये क्वेश्चन आपका शेयर से बनकर आया है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर एंड पीरियोडिकल इज ये क्वेश्चन आपका कहां से बनकर आया है ये एनपीओ से बन के क्वेश्चन आया है ठीक है देखिए बच्चों वीडियो लेक्चर जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड हमारे ऐप पे बिल्कुल फ्री है आप इसको अवेल कर सकते हैं तो मिस मत करिएगा अगर आपको फ्री में चीज़ें मिल जा रही है कंटेंट अवेलेबल हो जा रहा है तो मिस क्यों करना तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूजपेपर और पीरियोडिकल जो है वो कहाँ जाता है तो देखो बच्चों अगर हम इसको सेल कर रहे हैं तो हमें इससे प्रॉफिट हो रहा है ठीक है तो इसको हम कहाँ डालते हैं बच्चों ये बेसिकली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा ठीक है तो यानी कि क्रेडिट किस में होगा अगर आप ये चीजें बेच रहे हो न्यूज पेपर हो गया फिर पेरियॉडिकल हो गए तो ये सब किस में जाता है हमारा बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो यानी कि ट्वेंटी सेवन का आंसर ए करेक्ट होगा जो है क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आइटम्स अपियर इन द एंड पेमेंट आर नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ठीक है वो अपियर हो रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में ठीक है पर क्या है वो इनकम और सॉरी हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं होता है तो ऐसे कौन सी चीजें हैं ठीक है तो जैसे कैपिटल पेमेंट्स हो गया जैसे आपने फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं तो ये हमें कहां पे दिखाता है बच्चों ये हमें दिखाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ठीक है वही अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंसेज हो गए तो ये सब भी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही दिखाया जाता है ठीक है और दोनों के इनकम और एक्सपेंडिचर में कोई भी काम नहीं है तो यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर दोनों ए और बी दिखाया जाता है पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको नहीं दिखाया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये आपका क्वेश्चन कहां से है ये भी आपका एनपीओ से क्वेश्चन बन गया है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है So तो वेन शेयर्स आर फॉरफिटेड ठीक है जब शेयर्स फॉरफिट हुए हैं तो द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय शेयर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो किससे डेबिट होता है ठीक है तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स या फिर पेड अप वैल्यू अप वैल्यू या फिर फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ शेयर तो अगर आप लोग इसको थोड़ा लॉजिक लगाएं तो इसमें लॉजिक ये है ना बच्चों कि जब शेयर्स को फॉरफीट किया जाता है ना तो जितने अमाउंट उनको कॉल अप किया जाता है उतने ही अकाउंट उतने ही अमाउंट को हम क्या करते हैं शेयर कैपिटल में डेबिट करते हैं ठीक है पेड अप वाला नहीं ना नॉमिनल वैल्यू बल्कि हम जितनी कॉल्ड अप वैल्यू जितनी हमने बुलाई है जितने पैसों के लिए हमने शेयर्स को फॉरवीड किया है उतने ही भाई हम उसको डेबिट कर देते हैं किसमें शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ Uh, हाँ बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर शेल नॉट एक्सीड ठीक है तो ये भी क्वेश्चन आपका कहा शेयर्स से बनकर आया है ये भी क्वेश्चन आपका शेयर्स का ही था ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर हमने की है तो एक ईयर में वो कितनी नहीं एक्सीड करनी चाहिए ये हमारा थियोरिटिकल क्वेश्चन है ठीक है थियोरी में से आया है तो इसका बस बेसिकली यही आंसर है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ठीक है जितने शेयर्स हैं जो फुल्ली पेड हैं ठीक है तो उसकी वैल्यू को वो एक्सीड नहीं करना चाहिए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर इज एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का या फिर ऑल ऑफ अबव तो देखिए जो डिस्काउंट अलाउड होता है ना ये सब ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो किस में आता है बच्चों डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है ना ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना ही वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो आते हैं बेसिकली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जितने भी डिस्काउंट अलाउ किए जाते हैं ठीक अच्छा है चलिए अब देखिए ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये किससे था बच्चों तो ये हमारा शेयर से ही बन था ये क्वेश्चन ठीक है ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया जो है uh, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो ये भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे वन सेल ऑफ ठीक है आपको ओपनिंग क्या आपको कैलकुलेट uh, करना है द स्टॉक इन द बिगनिंग आपको ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है ठीक है तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है कि आपका सेल जो है वो है फोर लाख एटी थाउजेंड ठीक है आपको ग्रॉस लॉस दिया गया है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट ठीक है जब आपको ऑन कॉस्ट बोला हो ना तो आपको बस दिमाग में याद, ये याद रखना है कि भाई हमें क्या कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें तुरंत तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है वही आपको परचेज दिया गया है तीन लाख पचास हजार और क्लोजिंग स्टॉक दी गई है साठ हजार ठीक है अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है इस पर हमें ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है ठीक है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले ये ध्यान देते हैं सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक निकालने का एक फॉर्मूला होता है अगर आप सभी को नहीं पता है तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ओपनिंग स्टॉक निकालने का भी एक क्या होता है फॉर्मूला होता है ठीक है Uh, तो वो होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से अगर हम माइनस कर दें परचेज को ठीक है और ऐड कर दें क्लोजिंग स्टॉक को तो हमारा क्या आ जाता है ओपनिंग स्टॉक आ जाता है ठीक है तो इसके लिए आपको पहले आपको देखना है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए तो देखिए परचेज हमारा ऑलरेडी दिया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमारा ऑलरेडी दिया गया है सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया गया है अभी हमें निकालना है बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ये कैसे निकाल सकते हैं चलिए अब uh, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो आई वॉन्ट सभी लोग एक जगह इसको नोट डाउन कर लें ठीक है इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है तो अगर ये देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है सेल्स में से हम हम्म ओके okay. तो अगर हम सेल्स में से क्या करें ग्रॉस लॉस को माइनस कर दे तो ठीक है तो ग्रॉस लॉस तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है कि वो क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट है यानी कि वो इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑलरेडी है ठीक है और सेल्स तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है तो अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अज्यूम करना चालू करेंगे बिकॉज हमें दोनों ही वैल्यू नहीं दी गई है ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो मान लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या है अस अज्यूम ये हमारा अजम्पशन है ठीक है अज्यूम कर लो आप सभी लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कितना है सौ रुपए है तो वही अगर हमारा ग्रॉस लॉस हमें कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा हमें दिया गया है कि ये कॉस्ट का है ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी कि कितना हो गया हमारा ट्वेंटी फाइव रुपीज ठीक है इतना आपको समझ में आया सभी को वही अगर आप लोग को कैलकुलेट uh, करना है इसमें सेल uh, को ठीक है सेल तो हमारा सेल कितना हो जाएगा बच्चों तो सेल हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस लॉस है ना यही फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मेरा सेल कितना आ गया बच्चों रुपीज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अब मुझे मेरा सेल पता चल चुका है ठीक है मेरे पास मेरा ग्रॉस लॉस भी है मेरे पास मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है ठीक है तो अब इससे मैं निकाल सकती हूँ कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ ग्रॉस uh, प्रॉफिट है वो कितना है या फिर मैं ऐसा भी कैलकुलेट कर सकती हूँ कि जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सॉरी ग्रॉस लॉस है वो हमारे सेल पे कितना है ठीक है क्योंकि जब हम उसको सेल पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए तो हमें ग्रॉस लॉस निकालना है ऑन सेल वो हमारा कितना हो जाएगा दैट इज uh, हा सॉरी ट्वेंटी फाइव अपॉन वन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड क्वल टू ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो ये हमारा आ गया कि हमारा कॉस्ट ऑफ ग्रॉस लॉस हमारा कितना है ट्वेंटी परसेंट है किस पे सेल uh, पे चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमारा सेल uh, कितना है ठीक है तो सेल पे हमारा ग्रॉस लॉस कितना हो जाएगा सेल पे हमारा ग्रॉस लॉस है बीस परसेंट तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों बीस परसेंट ऑफ सेल कितना दिया गया है फोर लैख एट्टी थाउजेंड यानी कि हमारा कितना हो गया बच्चों अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो गया आ, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा थाउजेंड मुझे मिल गया मेरा ग्रॉस लॉस ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम्म तो अब हम निकाल सकते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है sold, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा क्या था सेल्स माइनस ग्रॉस लॉस यानी कि चार लाख फोर्टी एट थाउजेंड में से मैं क्या करूंगी माइनस कर दूंगी 96,000 सिक्स थाउजेंड को यानी मेरा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स और मेरा कितना आ गया थ्री लाख एट्टी फोर थाउजेंड ठीक है सभी का इतना आ रहा है इतना क्लियर सभी को अब हमें आना है मेन uh, उस पे अब मेरे पास सारे यूनिट्स हैं यहाँ पे जैसा मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है उसके हिसाब से मेरी सारी चीजें मुझे अब मिल चुकी है तो ओपनिंग स्टॉक अब कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ये है हमारा थ्री लाख एट्टी फोर थाउजेंड ठीक है माइनस परचेज परचेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है जो है थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है और प्लस हमें क्लोजिंग स्टॉक करना है तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा सिक्सटी थाउजेंड ठीक है तो अगर इस चीज को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारा टोटल आंसर आएगा नाइंटी फोर थाउजेंड ठीक है तो दिस इज आवर आ, टोटल ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर ठीक है क्लियर था आप सभी को आई होप आप सभी को ये सम समझ में आया होगा है ना कि मैंने कैसे आ, हमारा ये कैलकुलेट किया ओपनिंग स्टॉक ठीक है ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का आंसर चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अभी आप लोग क्वेश्चन कहाँ से आई आपका रेशियो से क्वेश्चन बनकर आया है ठीक है वहां पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि एक कंपनी है जिसका डाटा दिया गया है कि ओपनिंग बैलेंस दिया गया है सनड्री डेटर्स का ठीक है उसी के साथ आपको क्रेडिट सेल्स दी गई है कैश सेल्स दी गई है कैश कलेक्ट दिया गया है कि डेटर से आपको कितना कैश मिला है इस कैश कलेक्शन को हम बी आर करके भी कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि बिल्स रिसीवेबल साथ ही साथ आपको इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दे, के, दे देखेगा सनरी डेटर्स का अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि कितने इस साल में हमारे बैड डेप्स थे ठीक है इस साल के कितने बैड डेप्स थे तो अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन का भी एक फार्मूला होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री बता रही हूँ इस क्वेश्चन का भी एक फार्मूला होता है कि अगर आपको बैड डेप्स कैलकुलेट करना है बैड डेप्स कैलकुलेट करना है तो इसका एक फॉर्मूला बहुत अच्छा है कि uh, ठीक है बताती हूँ इसे ओपनिंग बैलेंस आपको जो दी गई है ओपनिंग बैलेंस उसमें आप क्या ऐड करेंगे आप लोग ऐड कर देंगे आपका क्रेडिट सेल आपको जितना भी क्रेडिट सेल हुआ है तो मैंने आपको बताया था ना कि uh, हाँ ठीक है क्रेडिट सेल आप लोग ऐड कर देंगे ठीक है और फिर आपके जितना भी कैश कलेक्ट हुआ है कैश कलेक्शन ठीक है चलिए फिर इसमें आप ऐड कर देंगे आ, सॉरी माइनस कर देंगे इसको माइनस कर देंगे आप लोग डिस्काउंट को और आप लोग फिर माइनस कर देंगे इसमें से जितना भी आपको बिल्स uh, रिसीवेबल है ठीक है चलिए ठीक है अब इस फॉर्मूले में अगर एक एक चीजों को बिठाया जाए तो uh, कैसे कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग बैलेंस तो ऑलरेडी हमें दिया गया है, है कि नहीं फोर्टी फाइव हाँ फोर्टी फाइव थाउजेंड हमें ऑलरेडी बैलेंस दिया गया है चलिए ठीक है अब अगर आप लोग आगे देखें तो हमें क्या इसमें माइनस करना है वो है कैश कलेक्टेड ठीक है जितना भी हमें कैश कलेक्शन हुआ है वो हमें क्या करना है एड uh, हाँ माइनस कर देना है कैश कलेक्शन दैट इज चार लाख फिर हमें इसमें एड करना है हमारा क्रेडिट सेल्स ठीक है क्रेडिट सेल्स को हमने एड कर दिया बाकी सारे वैल्यूज यहाँ पे नहीं दिए गए ना डिस्काउंट का ना बिल्स रिसीवेबल का तो उसको हमने हम लोग रहने ही देंगे ठीक है तो अगर इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करें तो आप लोग का टोटल आंसर आएगा ट्वेंटी थाउजेंड यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है और इस वाले में आपका ऑप्शन बीज वॉज द करेक्ट आंसर तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये भी एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इसमें आपको पहले देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है ऐसा बोला गया है कि फिक्स्ड एसेट्स जो है वो डबल है करंट एसेट्स का पर हाफ है कैपिटल का ठीक है तो इसको अगर हम थोड़ा एक जगह लिख लें जैसे कि आ, लिखा क्या गया है कि जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है ना फिक्स्ड एसेट्स है वो डबल है किसका करंट एसेट्स का पर जो फिक्स्ड एसेट्स है वो हाफ है किसका कैपिटल का ठीक ये आप लोग ध्यान रखेंगे फिर उसके बाद दिया गया है कि करंट एसेट्स आपको ऑलरेडी दी गई है तीन लाख तो अगर ये इसका डबल है तो फिक्स एसेट्स हमारा कितना हो जाएगा छह लाख ठीक है तो इसको एक जगह आप लोग लिख लीजिए कि आपको तीन लाख ऑलरेडी दिया गया है वही आपका फिक्स एसेट्स uh, कितना हो जाएगा छ लाख ठीक है चलिए फिर उसके बाद अगर आपका दिया गया है कैपिटल तो कैपिटल क्या बोला गया था कि कैपिटल जो है वो फिक्स एसेट्स कैपिटल का हाफ है तो यानी कि कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा बारह लाख ठीक है इतना तो क्लियर है हमें वैल्यू सारी मिल गई और फिर इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है चार लाख ठीक है इतना क्लियर है ठीक है अब देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है करंट लाइबिलिटी को तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ठीक है अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आप लोग करना है ये क्वेश्चन कहीं से उठाया गया नहीं है ये सिर्फ आप लोग के दिमाग को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है अभी एक आप लोग क्या करें एक बैलेंस शीट को इमेजिन करो ठीक है तो एक बैलेंस शीट होता कैसे है कैसे लाइबिलिटीज रूपीज एसेट्स रूपीज ऐसा ही होता है ठीक है लाइबिलिटीज में क्या क्या होती है लाइबिलिटीज में होता है कैपिटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज ठीक है वही अगर आप एसेट्स में आ जाओ तो क्या होता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स uh, ठीक है तो अगर आप लोग देखो तो अगर हम लोग इसको ऐड कर दें और फिर इसमें से ये सारी चीजों को माइनस कर दे तो क्या हमारी करंट लाइबिलिटी नहीं निकल जाएगी है ना तो यही क्या करते हैं सबसे पहले एसेट साइड में सबको हम ऐड करते हैं तो एसेट साइड की जितनी चीजें मेरे पास है उन सभी को हम ऐड करेंगे तो क्या क्या है करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट तो अगर इन सब सभी, सभी को हमने ऐड किया तो मेरा टोटल आंसर क्या आ रहा है थर्टीन लाख यानी कि मेरे टोटल एसेट्स कितने हो गए थर्टीन लाख ,00 वही अगर मैं देखूं तो मेरा कैपिटल कितना है ये कैपिटल है मेरा बारह लाख ,00 तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दूं, तो मेरी करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी दैट इज थर्टीन लाख माइनस ट्वेल्व लाख विच इज वन लाख तो मेरी टोटल लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज कितनी है वन लाख यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर है सभी को इतना समझ में आया चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन है वो भी एक हमारा सॉरी सॉरी थर्टी फाइव क्वेश्चन पे आते हैं हाँ आफ्टर ऑल डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड द बैलेंस लेफ्ट इन डिबेंचर रिडेम्शन फंड सॉरी सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आपका डिवेंचर से बनकर आया है ठीक है तो ये क्वेश्चन uh, क्या कह रहा है कि जब आपका सारा डिवेंचर रिडीम हो चुका है तो जितना भी पैसा अगर आपके डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में बचा हुआ है डिवेंचर सिंकिंग फंड हम लोग क्यों यूज करते हैं डिवेंचर के रिडम्पशन के टाइम ठीक है पर ऑलरेडी साइड डिवेंचर रिडीम हो चुके हैं तो जितना भी उस फंड में बैलेंस बचा है वो कहाँ चला जाएगा रिजर्व में ही तो जाएगा ठीक है तो यानी कि जनरल रिजर्व में बैलेंस शिफ्ट हो जाता है ठीक है यहाँ तक तो किसी कोई डाउट चलिए आगे बढ़ते हैं की बात कर रहा है, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के साथ यानी अगर आपको शॉर्ट टर्म एसेट यूज करके शॉर्ट टर्म को पे ऑफ करना है तो वैसे रेशियो को हम क्या कहेंगे लिक्विड रेशियो कहते हैं ठीक है लेवरेज नहीं एक्टिविटी नहीं प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लिक्विड रेशियो कहेंगे तो ऐसे ये क्वेश्चन आपका रेशियो से बनकर आया है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर फिनेंशियल प्लानिंग जो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है बोथ है या फिर नन है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें किस में काम आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन ठीक है तो ये आप सभी को पता है कि ये शॉर्ट टर्म में भी काम आता है एंड प्लस लॉन्ग टर्म में भी काम आता है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ एसेट्स आर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ठीक है डिजोल्यूशन के टाइम अगर कोई पार्टनर है जो एसेट्स को इफ एसेट्स आर टेकन बाय क्रेडिटर ऑफ द फॉर्म ठीक है क्रेडिटर ने अगर उसको ले लिया तो उसकी एंट्री क्या होगी तो उसकी एंट्री कुछ भी नहीं होती है ठीक है उसको कंपनसेट कर दिया जाता है ना कि मतलब आपके पैसे के बदले आप इसको ले लो ठीक है तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है तो नो एंट्री शुड बी पासड ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ठीक है एवरेज प्रॉफिट दिया गया है नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द्रीर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है ये आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन बनकर आया है ठीक है तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सुपर प्रॉफिट में हमें गुडविल निकालना है तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा है, न, है कि नहीं तो ये क्वेश्चन नंबर थर्टी का सोल्यूशन है तो सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन क्या होता है एपी में से अगर हम एनपी को माइनस कर दें यानी एवरेज प्रॉफिट में से नॉमिनल प्रॉफिट को माइनस कर दें तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है जिसका आंसर uh, क्या होगा फिफ्टीन थाउजेंड ठीक अब वो बोला है गुडविल कैलकुलेट करने का तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ इयर्स ठीक तो यानी कि पंद्रह हजार कितने नंबर ऑफ इयर्स है थ्री यानी कि कितना गुडविल है फॉर्म के पास फोर्टी फाइव थाउजेंड का गुडविल है तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंट in an में इसमें से कौन सी चीज रिकॉर्ड होती है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं ये कहा जाता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं ये भी कहा जाता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये जाता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर चलिए प्रोविजन प्रोविजन एक क्या है जनरल फंड है स्पेसिफिक फंड है कैपिटल रिजर्व है कॉन्टीजेंसी रिजर्व है तो देखिए जनरल रिजर्व क्यों नहीं है वो क्योंकि उसके लिए एक अलग से क्या बनता है प्रो, आ,

और ये हमारा एनपीओ से क्वेश्चन था और ये हमारा बेसिक अकाउंट से क्वेश्चन था ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत रेशियो से क्वेश्चन आया है कि जो डेप्ट इक्विटी रेशियो होती है वो किस चीज का टेस्ट होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो इज अ टेस्ट ऑफ ऑफ़ अ कंपनी ठीक है एक सोल्वेंसी रेशियो के अंदर यह आता है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अ डेटर पेज हिज ड्यूज ठीक है ठीक है जब एक डेप्टर अपना सारा ड्यूज पे कर देता है तो इसमें से कौन सी चीज करेक्ट होती है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट विल डिक्रीज एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल इंक्रीज लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल इंक्रीज या फिर देर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज तो बताइए इसका आंसर बच्चों विच ऑफ द द फॉलोइंग इज ट्रू डेटर दून हिज ड्यूज देखिए डेटर क्या है वो जो अपने सारे ड्यूज पे कर देता है तो यानी कि वो क्या हो रहा है बच्चों वो हमारा uh, हमारे कैश बैलेंस को बढ़ा रहा है, है कि नहीं मतलब यानी कि वो हमारे पैसे दे दे रहा है है कि नहीं तो हमारा क्या हो जा रहा है कैश बैलेंस बढ़ जा रहा है तो एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल इंक्रीज ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट यूज इन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सिमिलर टू द ट्रेडिंग एंड दॉफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है तो बैलेंस शीट है या फिर करंट अकाउंट है अप्रोप्रिएशन अकाउंट है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो जो एनपीओ में बनती है जो फाइनल अकाउंट वो हमारे ट्रेडिंग सॉरी पीएल अकाउंट से कैसे रिलेटेड है तो कौन सा अकाउंट रिलेटेड है बच्चों ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है जो एनपीओ में वो यहाँ यहाँ क्या कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ िटी एंड अफोर्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है तो अकाउंट के क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गए थे लास्ट थे क्वेश्चन अब आते हैं बिजनेस के क्वेश्चन पे ठीक है जिसे बिजनेस के क्वेश्चन आ गए बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन तो इसको भी आप सोल्व करते हैं कि कौन सा ऐसा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि प्रोडक्ट की अबिबिलिटी होनी चाहिए और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट या फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट तो अगर आप लोग ध्यान दें तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है जो आपकी अबिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को इंफोसिस करता है तो ये क्वेश्चन मार्केटिंग वाले पोर्शन से बनकर आया है विच बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर द क्रिएशन Of benefit of society. ऐसा कौन सा है जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है जैसे कि social objective हो गया ठीक है फिर economic object, personal object या फिर या तो obviously अगर वो सोसाइटी के लिए है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा सोशल ऑब्जेक्ट ही होगा ठीक है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ये आपका चैप्टर वन से क्वेश्चन था बेसिक ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है आपका फंडामेंटल क्या है चैप्टर का नाम्री फेल वॉज अनरी का स्पेलिंग गलत है तो हेनरी में वाह होगा ठीक है थैंक यू जो यहाँ पे बच्चे हैं वो बहुत काइंड है वो मुझे हर एक चीज बता दे रहे हैं ठीक है हेनरी फेओल वॉज अ प्रोडक्शन इंजीनियर सोशल साइंटिस्ट माइनिंग इंजीनियर या फिर एक अकाउंटेंट तो आपको क्या लगता है क्या था ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वो क्या थे एक माइनिंग इंजीनियर थे बहुत बार सीवीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है तो वो क्या थे एक माइनिंग इंजीनियर थे तो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी चैप्टर टू में से क्वेश्चन बनकर आया है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो ये क्या बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसे नहीं है फ्लेक्सिबल नहीं है एब्सोल्यूट नहीं है यूनिवर्सल नहीं है या फिर बिहेवियरल नहीं है तो क्या नहीं है बच्चों बिजनेस स्टडीज तो सभी का फेवरेट सब्जेक्ट है ये तो आंसर्स आप लोग बता ही सकते हो क्वेश्चन नंबर फोर्टी ध्यान दीजिए सब लोग और आंसर बताइए लगता है किसी को भी नहीं आ रहा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि वो एब्सोल्यूट नहीं है ठीक है चलिए अ ब्रांड और अ पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज नोन एज ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है ये आप लोग के टेक्स्ट बुक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग ट्रेडमार्क कहते हैं ठीक है ब्रांड या फिर पार्ट ऑफ ब्रांड को अगर हमें एक लीगल प्रोटेक्शन देना है तो ठीक है तो ये क्वेश्चन हमारा कहा चैप्टर टू में से था ठीक है वही ये वाला क्वेश्चन आपका कहां से था मार्केटिंग से था जो आपका चैप्टर इलेवन है चलिए स्केलर चेन इज स्केलर चेन क्या है ये भी चैप्टर टू से क्वेश्चन है ठीक है वो क्या है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट

चैप्टर नंबर ट्वेल्व कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो ये क्या है uh, अगर आप लोग कोई बता रहा है कि आपको uh, ये सही आई वाले प्रोडक्ट यूज करने चाहिए यानी कि यू आर बीइंग इन्फॉर्म यानी ये क्या है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है ठीक है बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है ये ठीक है कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज गिवन बाय आई वॉन्ट एवरी टू आंसर दिस क्वेश्चन फोन मत चलाइए बच्चों फोन में आंसर तो सभी को मिल जाएंगे यहां पे सॉल्व करेंगे, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री का आंसर बताइए सभी लोग चलिए ठीक है तो आप सभी को पता ही कि कौन है डब्ल्यू टेलर चलिए ये भी आपके चैप्टर टू से क्वेश्चन था विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग स्टाफिंग कंट्रोल एड कोऑपरेटिंग तो ऑब्वियसली कोऑपरेटिंग ठीक है चैप्टर वन से एक क्वेश्चन था बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन है आप लोग के बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन बहुत बेसिक है ठीक है अकाउंट भी बहुत बेसिक ही था थोड़ा सा इंग्लिश टफ लगा हो तो लगा हो ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अ अ डिसीजन टू न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एन ओल्ड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्किंग कैपिटल डिसीजन या फिर नन ऑफ दी अब तो आप लोगों को क्या लगता है कौन सा डिसीजन है ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्योंकि अगर कोई भी एसेट बाय करना है तो क्या होता है हमारा वो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है ठीक है अगर एक एसेट आप ले रहे हो तो आप प्लान करते हो कि भाई ये मैक्सिमम मोर देन फाइव है ट्रेडमार्क इज एन एलिमेंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग ब्रांडिंग या फिर प्राइजिंग तो इट इज अ एलिमेंट ऑफ ब्रांडिंग एक ब्रांड की एलिमेंट uh, है ये ट्रेडमार्क ठीक है ट्रेडमार्क पेटर्न कॉपी राइट ये सब किसमें आता है ब्रांडिंग में ही आता है ठीक है तो ये भी आपका चैप्टर इलेवन से क्वेश्चन था ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ रेजिंग मोर कैपिटल देन रिक्वायर्ड डिनोट्स सिचुएशन ऑफ ज्यादा कैपिटल रेज करना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा तो क्या हो जाएगा सिंपली एक्सेस ऑफ कैपिटल ठीक है एक्सेस ऑफ कैपिटल ये क्या कहलाएगा ओवर कैपिटल कहलाएगा यानी आपने ज्यादा ही कुछ कैपिटल रेज कर दिया है ठीक है लॉन्ग टर्म फिनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ टेंजेबल एक्सेट्स फिक्स एसेट्स

मोर ऑफ द सेल्स मैन द मोर गुड इज आवर मार्केटिंग ठीक है तो यह हमारा बेसिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन था यानी चैप्टर वन से एक क्वेश्चन था ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट बोरोड फंड ठीक है इसमें से कौन सी चीज बोरोड फंड बताती है डिवेंचर बॉन्ड्स लोन या फिर ऑल ऑफ दीज तो आप लोग को देख कर ही समझ में आ रहा है कि ऑल ऑफ दीज होगा डिवेंचर बॉन्ड हो या फिर लोन हो ये सब हम किससे लेते हैं बोरो करते हैं ये हमारा खुद का कैपिटल नहीं होता है ठीक चलिए आई होप इतना आप सभी को क्लियर होगा ठीक है तो आज हमने क्या किया बच्चों आज हमने सॉल्व किया अकाउंटेंसी एंड बिजनेस के क्वेश्चन टू एंड ट्वेंटी थ्री का पेपर था ठीक है आई होप आप सभी को क्लियर होगा कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ठीक है प्लस हमारा साथी साथ ही साथ मैथ्स के भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं एंड लास्ट में आई गेस हमारा जीके के क्वेश्चन हैं। तो अभी हम जीके सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है कभी कभी ठीक है तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड नई नई चीजें रहती हैं जानने के लिए हमेशा तो जीके इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट तो चलते हैं अभी जनरल नॉलेज की तरफ चलिए ठीक है आते हैं जीके क्वेश्चंस पर क्वेश्चन नंबर एटी नाइन से ठीक है बाकी सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं तो अब हम लोग वो कल करेंगे क्योंकि आज ऑलरेडी हमने बहुत सारे अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं है कि नहीं तो बढ़ते हैं जीके ग्रुप की तरफ तो जीके क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करिएगा ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप जिंजर टर्मरिक कैबेज तो अगर आप ये सब देखें तो ये सब कहा ये सब आई गेस नीचे उगते हैं है नाउंड ग्राउंड ग्राउंड के नीचे ही लोग उगते हैं बट जिंजर सॉरी कैबेज इज ऊपर उगने वाला तो 89 का डी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है इन सर्टन लैंग्वेज ओ या गया हमारा आई गेस रीजनिंग का क्वेश्चन <laughs> तो रीजनिंग है मैं उतनी अच्छी हूँ नहीं बट स्टिल्स ठीक है सॉरी टू नाइन और सेवन देन विच वर्ड विल बी रिटर्न एज टू एट फाइव सिक्स तो अगर आप लोग देख लो तो ये बहुत सा ही क्वेश्चन है कि जो बी है उसका कहाँ पे जगह बैठता है उसका अगर अल्फाबेट में देखे तो सेकेंड होता है वो और आई देखे तो वो नाइन्थ पे बैठता है और जी जो है वो सेवेंथ पे बैठता है वही उसका सेम यहाँ पे फॉर्म करना है ठीक है तो आ, टू कहाँ पे बैठता है टू बैठता है हमारा बी पे ठीक है फिर एट होता है एच फाइव होता है ई और सिक्स होता है एफ यानी हमारा ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर ठीक है बहुत ईजी सा था चलिए The synonym for the word amazing will be amazing word का synonym क्या होगा Incredible, en enrage, furious, ordinary. तो तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि amazing यानी कि incredible, ठीक है Positive response for something being very great or very good, ठीक है तो उसको हम क्या बोल देंगे Incredible, ठीक है Who is the author of the book? The Rights of Man, ठीक है The Rights of Man का author कौन है दैट इज थॉमस पेन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी कुछ बच्चे फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पर ध्यान देने चलिए ठीक है हु इज ऑल्सो नोन एज सक या मुनी, मुनी ठीक है तो इसमें से कौन कहलाता है सक्या मुनि तो वो कौन है गौतम बुद्ध या फिर वर्धमान महावीर या फिर वेद व्यास या फिर अगस्त्या तो गौतम बुद्ध को कहा जाता था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू रिजाइन ही हिज रिजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द प्राइम मिनिस्टर या फिर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अगर एक प्रेजिडेंट को रिजाइन करना है तो किसको देते हैं अपने रेजिग्नेशन लेटर वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं ठीक है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं विच डिजीज इज नोन एज एलिफेंटियासिस एलिफेंटियासिस फिलारिया काला अजर वेनेरियल डिजीज या फिर गोइटर तो फिलारिया को हम कहते हैं एलिफेंटियासिस ठीक चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज एज अ केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक है वर्ल्ड वॉर वन में किस चीज को केमिकल वेपन की तरह यूज किया गया था ठीक है तो वो कौन सी चीज थी मस्टर्ड गैस वॉटर गैस कार्बन मोनो ऑक्साइड हाइड्रोजन साइनाइड तो मस्टर्ड गैस उस टाइम पे यूज किया गया था केमिकल uh, वेपन के लिए एज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक है चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इफ यू वर अ कार्ट्रोग्राफर वुड बी स्टडिंग एक कार्टोग्राफर है वो किस चीज के बारे में पढ़ता है, ठीक है? तो जो कार्टोग्राफर होता है, है. का है? कार्टोग्राफर का तो correct आंसर चलिए अमॉन्ग दीज विच वन इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है इसमें से कौन सा हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है तो इन गुजरात जवाहरलाल नेहरू इन मुंबई हल्दिया इन वेस्ट बंगाल नेचुरल पोर्ट इन विशाखापट्टनम। तो सबसे बड़ा कौन सा हमारा मुंबई वाला पोर्ट है ठीक है जो है जवाहरलाल नेहरू इन मुंबई चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अमेरिकन वेब डेवलपर एंड बिजनेसमैन को फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड सीईओ ऑफ स्क्वायर इज क्रिस्टिन डेओर रोडोल्फ डीजल पीटर ड्रकर या फिर जैक इनमें से कौन है तो ये आप सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर ठीक है तो देखो जो लीगल मैटर पे किसी गवर्नमेंट को अगर कर एडवाइस करना तो वो कोई छोटा मोटा लॉयर या फिर जज वगैरह नहीं होता है उसकी एक स्पेसिफिक और एक बहुत अच्छी पोजिशन होती है जिसका नाम क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक है वो स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए बना होता है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स ठीक है अगर आप लोग को देखना है तो यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं आप लोग यहाँ से आंसर्स मैच कर सकते हैं साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंड ऑल्सो हमारे uh, YouTube पे एंड क्लास के क्लास uh, जो भी है हमारा ऐप है उस पे भी सारे कंटेंट अवेलेबल है तो आप उसको वहां से अवेल कर सकते हैं टिल देन की प्रैक्टिसिंग कल मैं आऊंगी हमारे इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स क्वेश्चन के साथ टिल देन आप लोग बने रहिए एंड कीप वॉचिंग थैंक यू एवरी वन